तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाजिद ग्राफी में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे साल 1991 से लेकर साल 1992 की मिथुन चक्रवर्ती की सभी बड़ी फिल्मों के बारे में। और दोस्तों वहीं पर जानेंगे कि मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1991 से लेकर साल 1992 तक कितनी फिल्मों में काम किया था, कितनी हिट गई थी, कितनी फ्लॉप। तो दोस्तों सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाली है, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप भी मिथुन चक्रवर्ती को एक अच्छे बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहली फिल्म की। तो फिल्म का नाम था नंबरी आदमी। ये मूवी साल 1991 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, अंग्रेज पुरी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1.5 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 2 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी। फिल्म आई थी साल 1991 में। फिल्म का नाम था प्यार का देवता। ये मूवी साल 1991 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, माधुरी दीक्षित अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1.5 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 2.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक सेमी हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1991 में। फिल्म का नाम था शिकारी। ये मूवी साल 1991 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती के साथ नसरुद्दीन शाह अंग्रेज पुरी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें शिकारी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि शिकारी मूवी का बजट 1.5 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1.75 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 2 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी एवरेज करार दी गई थी। फिल्म आई थी साल 1991 में। फिल्म का नाम था प्यार हुआ चोरी चोरी। ये मूवी साल 1991 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती के साथ शक्ति कपूर भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें प्यार हुआ चोरी चोरी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1.44 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1.5 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 1.5 करोड़ रुपए कमाए थे। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी फ्लॉप करार दी गई थी। फिल्म आई थी साल 1991 में। फिल्म का नाम था प्रतिज्ञाबाज। ये मूवी साल 1991 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, पद्मनी कोल्हापुरी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1.45 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। ये फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 2 ही करोड़ का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज करार दी गई थी। फिल्म आई थी साल 1991 में। फिल्म का नाम था त्रिनेत्र। ये मूवी साल 1991 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें त्रिनेत्र मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में,
में, वज़्ज़त के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूँ कि इस फिल्म का बजट 1,40,00,000 रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 2.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट करार दी गई। फिल्म आई थी साल 1991 में। फिल्म का नाम था स्वर्ग या नरकियां। ये मूवी साल 1991 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1,40,00,000 रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1.5 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 2 करोड़ रुपए से कम का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1992 में। फिल्म का नाम था साजन साथ निभाना। ये मूवी साल 1992 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती के साथ, जूही चावला, फरानाज अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 1,30,00,000 रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1.5 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 2 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दी गई। अगली फिल्म आई थी साल 1992 में। फिल्म का नाम था झूठी शान। ये मूवी साल 1992 में आई थी। फिल्म इसमें मिथुन चक्रवर्ती के साथ मौसमी चटर्जी भी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें झूठी शान मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 1,50,00,000 रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 करोड़ रुपए कमाई थे। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 1 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1992 में। फिल्म का नाम था राजू दादा। ये मूवी साल 1992 में आई थी। फिल्म इसमें मिथुन चक्रवर्ती के साथ कादर खान अहम किरदार में थे। इस फिल्म का बजट 1.5 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 1,05,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1992 में। फिल्म का नाम था घर जमाई। ये मूवी साल 1992 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती के साथ, कादर खान, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा अहम किरदार में थे। इस फिल्म का बजट 1.5 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1,75,00,000 रुपए कमाई थी। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 2 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज करार दी गई थी। आई थी साल 1992 में। फिल्म का नाम था पीताम्बर। ये मूवी साल 1992 में आई थी। फिल्म इसमें मिथुन चक्रवर्ती अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें पीताम्बर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 1,30,00,000 रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1.5 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 1,60,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट करार दी गई थी। तो दोस्तों ये रही मिथुन चक्रवर्ती साहब की साल 1991 से लेकर साल 1992 की सभी बड़ी फिल्में। तो इन सभी बड़ी फिल्मों में से कौन सी मूवी आपकी ज़्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट